योगी सरकार में पंडित नहीं है सुरक्षित। दबंगों ने पंडित और उनके परिवार के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने मुंडापाड़े पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की उठाई मांग। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के मुंडापाड़े ग्राम खाईखेड़ा बड़ावाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कुछ दबंगों ने एक पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की है। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापाड़े ग्राम खाईखेड़ा बड़ावाला का सामने आया है, जहाँ के निवासी पंडित राकेश शर्मा का आरोप है कि मोहल्ले के ही कुछ दबंगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। पंडित परिवार का कहना है कि हमारे मकान के सामने गुड्डू का खाली प्लॉट पड़ा है, जिसको लेकर गुड्डू आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमसे विवाद करता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे घर के अंदर नहाने धोने का पानी सड़क पर चला जाता है, सिर्फ इसी बात को लेकर खाली पड़े प्लॉट स्वामी ने हमारे साथ घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हम पर हमला कर जान से मारने का प्रयास किया, तो वहीं पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार मारपीट करने वाले दबंगों से डरा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार ने मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ मुंडापाड़े पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने पत्रकारों को बताया, सर अकेला घर है हमारा, हमारा काम है टेंट की दुकान, जिजवाने का काम है, ये सब हमारे कारोबार से चलते हैं। ये चाहते हैं कि सब हमारा काम होवे और इनका काम नहीं होना चाहिए। आप कौन है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राकेश शर्मा है। कौन है आप? ब्राह्मण है, पंडित हैं। पंडित है जी। पंडित पे हमला करा था इन्होंने? पंडित पे हमला करा था इन्होंने, एक बार नहीं दो बार हो चुके। दो बार? एक बार हमारे भाई से हुआ, तो इन्होंने फैसला करा के सुलह कर ली, फिर उन्होंने कही दोबारा से आप फैसला करेंगे तो हम मारेंगे इन्हें, और रबड़ करने जाएंगे तो मारेंगे और ना करने जाएंगे तो भी मारेंगे, इन्हें रहने नहीं देंगे। विवाद क्या क्या था? विवाद विवाद कुछ नहीं है, यही विवाद है टेंट का पानी का, कोई विवाद नहीं। रास्ता है किसी को 18 फुटा रास्ता है, पानी सभी का निकलता है, कोई मेरा नहीं निकला, सब पे पानी निकलता है, और रास्ते पानी तो हर आदमी का जाता है। कार्रवाई करने गए पुलिस ने, हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। और मंगल दिवस में गए थे, शनिवार दिवस में तहसील, तो वहाँ पर हमारा पर्चा लेके दरोगा जी ने कह दी 3 बजे 9 बजे आना, और 9 बजे गए थाने में तो कुछ नहीं हुआ। लेके आए थे ये मुझसे हुआ था, कम से कम हो गए 4-5 महीने हो गए। सभी पुलिस वाले आए थे, फैसला करा दिया था, सब गांव वालों ने मिलकर, प्रधान जी हैं उन्होंने फैसला करा दिया था, हम मान गए। रिपोर्ट है हमारे पास, फिर दोबारा हमला करा। ये वीडियो जो वायरल हो रही है, इसी मोहल्ले की, इन्हीं भाइयों से झगड़ा हुआ है। सुक्कुर के दिन सुबह 6 बजे आ गए, हम सो के भी नहीं उठे थे, डंडे ले लेकर सब हमें मारने घर में। हम गुड्डू और गुड्डू के लड़के दो और उनके भाई हैं ओमकार बिंटू। वजह तो कुछ नहीं थी, बहाना था सिर्फ पानी का, बाहर को पानी निकल गया है हमारा, लैट्रिन बाथरूम का। हाँ वो तो लैट्रिन बाथरूम रास्ते में जाता है, 18 फुट का रास्ता है। वो बोला कि ये ट्रैक्टर हमारा यहाँ खड़ा होता है, ट्रैक्टर हटाओ, इंजन हटाओ, गाय हटाओ, ये पानी बंद करो। वो तो लड़ने की एक धौंस है। सामने खाली प्लॉट पड़ा है जी, वही हमने उनकी पहले की टेंट की दुकान थी, हमने बाद में ले ली, तो ये तो जजमान है पूरे एरिया के, वो हमसे ही ले रहे हैं सामान, उनकी बस यही बात से लड़ाई है। कारोबार को लेकर? हाँ कारोबार को लेकर जरा ना, पिछली बार भी लड़ाई हुई थी, गांव वालों ने फैसला करा दिया था।